हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नो ब्रोकर। मैं हूं योशु प्रधान और आज हम एक क्रूशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो पुणे के प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स इन 2024। चाहे आपने अभी अभी नई प्रॉपर्टी खरीदी हो या आप पुराने रेजिडेंट हो, अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसे मिलकर समझते हैं। पुणे में प्रॉपर्टी टैक्स एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो प्रॉपर्टी ओनर्स पर लगाया जाता है। ये टैक्स पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीएमसी या पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीसीएमसी द्वारा कलेक्ट किया जाता है आपकी प्रॉपर्टी के लोकेशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, बानेर, आउंद, कोथरूड, कोरेगांव पार्क और वागोली जैसे एरियाज पीएमसी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जबकि हिंजेवाड़ी फेजेस 1, 2 और 3, आकुर्डी, धनोरी और वाकड़ जैसे एरियाज पीसीएमसी के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स से जो रेवेन्यू आता है वो सिविक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फंडिंग के लिए क्रिटिकल होता है। टिपिकली ये प्रॉपर्टी टैक्स के कारपेट एरिया के हिसाब से एसेस किया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स को एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू स्ट्रीम के रूप में यूज करते हुए पीएमसी 1950 से पुणे के सिटीजन्स को सर्व कर रही है। जियो टैगिंग और जीआईएस जैसे एडवांसमेंट्स के साथ प्रॉपर्टी असेसमेंट के लिए पीएमसी 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। ये टेक्नोलॉजी अनऑथराइज प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने और टैक्स कंप्लायंस इंश्योर करने में मदद करती है। पुणे में प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स प्रॉपर्टी के साइज, टाइप, लोकेशन, यूसेज और एज के हिसाब से डिटरमाइन किए जाते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को कमर्शियल प्रॉपर्टीज से अलग तरीके से टैक्स किया जाता है, जो कि उनकी इनकम जनरेट करने की पोटेंशियल की वजह से हायर रेट पर होता है। वेकेंट लैंड्स भी प्रॉपर्टी टैक्स के अंडर आते हैं, लेकिन लोअर रेट्स पर। पुणे में प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी के कैपिटल वैल्यू के परसेंटेज के तौर पर कैलकुलेट की जाती है, जो स्टैम्प ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किए गए रेडी रेकनर से मिलती है। प्रॉपर्टी की कैपिटल वैल्यू से टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करके प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉपर्टी की कैपिटल वैल्यू बेस प्रॉपर्टी बिल्डअप एरिया, यूसेज, बिल्डिंग टाइप, एज फैक्टर और फ्लोर फैक्टर का प्रोडक्ट है। पीएमसी और पीसीएमसी वेबसाइट्स पर ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है जहां आप लोकेलिटी और एरिया ऐसी डिटेल्स डालकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पेमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आते हैं, पुणे में प्रॉपर्टी टैक्स कैसे पे करें। पुणे में अपने प्रॉपर्टी टैक्स को पे करना एक सिंपल प्रोसेस है जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं, आपकी पसंद के अनुसार। यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसे आप इन पेमेंट्स को कैसे करना है वो समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के लिए ऑफिशियल पीएमसी वेबसाइट विजिट करें। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन के लिए पे ऑनलाइन या बैंक ट्रांसफर्स के लिए एनईएफटी आरटीजीएस पेमेंट में से कोई एक चुनें। दी गई फील्ड्स में जरूरी प्रॉपर्टी डिटेल्स एंटर करें और फॉर्म सबमिट करें। एक्यूरेसी के लिए प्रॉपर्टी ओनर इन्फॉर्मेशन और डिस्प्ले किए गए प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज को रिव्यू करें। आपको जितना पेमेंट करना है वो अमाउंट डालें। कम्युनिकेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस कंफर्म करें। अपने प्रेफर्ड पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करें, ये इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके। पेमेंट प्रोसेस पूरा करें। रिसीट के लिए propertytax.punecorporation.org पर जाएं और टैक्स रिसीट पर क्लिक करें, जहां आपको सभी पिछले पेमेंट चालान्स मिल सकते हैं और आप इन्हें प्रिंट कर सकते हैं। पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीसीएमसी वेबसाइट पर जाएं। रेसिडेंस मेन्यू में प्रॉपर्टी टैक्स और फिर प्रॉपर्टी बिल चुनें। अपना टैक्स बिल पाने के लिए जोन, गैट नंबर, ओनर का नाम और प्रॉपर्टी एड्रेस जैसे डिटेल्स डालें। पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ें। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट या टैक्स असेसमेंट में कोई भी समस्या आती है तो मदद के लिए propertytax@punecorporation.org पर अपनी क्वेरीज मेल करें। आप प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं। चेक्स द असेसर एंड कलेक्टर ऑफ टैक्स पीएमसी पुणे के फेवर में होना चाहिए। आप पीएमसी की किसी भी 30 वार्ड ऑफिसेस, सिटीजंस फैसिलिटेशन सेंटर्स या ऑथराइज्ड बैंक ब्रांचेस में पेमेंट कर सकते हैं। इनमें ये बैंक शामिल हैं, कॉस्मोस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
ईज ऑफ पेमेंट के लिए सेल्फ सर्विस टैक्स पेमेंट कियोस्क भी अवेलेबल हैं, जहां आप ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा चुनें या ट्रेडिशनल ऑफलाइन मेथड्स को। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जरूरी रखें। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप पुणे में अपने प्रॉपर्टी टैक्स ऑब्लिगेशंस को स्मूथली और एफिशिएंटली फुलफिल कर सकते हैं। कुछ सर्कमस्टांसेस में आपको पुणे प्रॉपर्टी टैक्स एग्जेम्पशंस या कंसेशंस मिल सकते हैं, लेकिन ये सर्कमस्टांसेस क्या हैं? पीएमसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज के लिए एग्जेम्पशंस या कंसेशंस ऑफर करता है। पीसीएमसी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर्स, महिलाओं और 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटीज वाले लोगों को प्रॉपर्टीज पर जनरल टैक्स में 50% का कंसेशन भी देता है। पीसीएमसी 30 जून तक फुल पेड प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जनरल टैक्स पर 10% कंसेशन देकर अर्ली पेमेंट को इनकरेज करता है। अप्रैल 1st से लेकर सितंबर 30th तक के पहले हाफ ईयर का डेडलाइन मई 31st को सेट किया गया है। 1st अक्टूबर से 30th मार्च तक चलने वाले सेकेंड हाफ के लिए ड्यू डेट 31st दिसंबर है। प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स में किसी भी डीले के लिए एक लेट पेमेंट पेनल्टी लगाया जाता है, जो हर महीने 2% के रेट पर होता है। अगर ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं की जाती है तो ये पेनल्टी फर्स्ट ईयर ड्यूज के लिए जुलाई 1st से और सेकेंड हाफ ईयर ड्यूज के लिए जनवरी 1st से लगती है। 31st मई तक प्रॉपर्टी टैक्स के फुल सेटलमेंट करने पर पेमेंट रीबेट दी जाती है। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज या ओपन प्लॉट्स की एनुअल रेटेबल वैल्यू ₹25,000 तक है तो वो जनरल टैक्स पर 10% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है, और अगर वैल्यू ₹25,001 से ऊपर है तो 5% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में सोलर इंस्टॉलेशन, वर्मी कल्चर या रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में से कोई भी एक इको फ्रेंडली सिस्टम है तो उन्हें म्युनिसिपल टैक्सेस पर 5% डिस्काउंट मिलता है, वाटर टैक्स और गवर्नमेंट टैक्सेस को छोड़कर। अगर इनमें से दो प्रोजेक्ट्स हैं जो रीबेट बढ़कर 10% हो जाती हैं। पुणे में अपने प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स के साथ आगे रहना न केवल शहर की तरक्की में कंट्रीब्यूट करता है, बल्कि आपको बड़े रीबेट भी मिल सकते हैं। अपने कैलेंडर में ड्यू डेट्स को मार्क करना ना भूले ताकि पेनल्टीज से बच सके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। रियल एस्टेट पर ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।